भक्त पराधीनो। भगवान भक्तों के अधीन है। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे समझो, सुमारी पवन सोते पावन श्री हनुमान जी ने भी राम जी को वश में किया। लेकिन एक बात है, राम जी को क्या वश में किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है। जैसे सबरी ने रघुनाथ जी को जूठे बेर खिलाए, जैसे विदुरानी ने भगवान को साग खिलाई, वैसे ही हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी का पावन नाम लेकर के अपने हृदय में रघुनाथ जी को बसा लिया। कल एक शास्त्री जी मानस की चर्चा कर रहे थे, बड़ा अच्छा अर्थ कर रहे थे इस चौपाई का। बोले महाराज जी, हनुमान जी अपने बस करी, हनुमान जी तो दास हैं, स्वामी को भला क्या बस में करेंगे हैं? तो उन्होंने अर्थ बड़ा अच्छा दिया। बोले इसका अर्थ हमारा मानना ऐसा है, अपने बस करी, अपने हृदय में बसा लिया श्री रघुनाथ जी को हमेशा के लिए। जब मौका मिला सोई जास हृदय आगार बस ही राम सर चाप धरी, अपने सीना को फाड़ कर रघुनाथ जी को दिखा दिया। मेरे माई बाप, भगवान भक्तों के अधीन है। वो जगत देवता, वो जगत के आधार हमारे ठाकुर जी भोले भक्तों में डूब जाते हैं। जैसा जैसा भगवान करते, भक्त कहते भगवान वैसा करते। वो करमेती बाई की कथा क्या कहना, बड़ी अच्छी देवी हुई करमेती बाई। करमेती बाई ने भी ठाकुर जी को वश में किया। एक बात, केवल यहां ही नहीं, कलयुग में भी अनेक लोगों ने भगवान को वश में किया है। राजस्थान में एक जगह है सालासर बालाजी। सालासर बालाजी के एक महंत हुए पूज्य श्री मोहन बाबा। मोहन बाबा अपनी बहन जी के घर पर राजस्थान में रहते थे सालासर में। वो दिन ना रात एक कीर्तन गाते थे, जो हम लोग कीर्तन में गाते ना कथा के बाद, कथा के पहले, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, वो यही कीर्तन 2400 घंटे गाते थे। तो राम जी को बस में करने वाले हनुमान जी को इस कीर्तन से गागा करके मोहन बाबा ने अपने बस में कर लिया था। ये कोई द्वापर त्रेता की बात नहीं हम बता रहे हैं आपको महाराज, ये कलयुग की बात बता रहे भैया। जब वह मोहन बाबा चलते थे, हल चलाते थे, खेती करते थे, कीर्तन करते करते धूप बहुत हो जाती थी, जून का महीना भयंकर धूप, और सीताराम हनुमान गाते गाते चलते थे हल लेकर के, हनुमान जी को दया लगती थी, हनुमान जी तुरंत प्रकट होकर के अपनी पूंछ से छाया करने लगते थे। ये इससे सिद्ध हो गया, अहम भक्त पराधीनो, भगवान भक्त के अधीन है। जैसा जैसा भक्त नचाता भगवान वैसे ही नाचते, जो भक्त कहता भगवान वैसा करते। जैसे ठाकुर जी को तुम रिझाओ भगवान वैसे ही रिझा। कोई कहता तुम हमारे मित्र हो, ठाकुर जी मित्र बन जाते।
कोई कहता आप हमारे परमेश्वर हो, वो परमेश्वर बन जाते। कोई कहता आप हमारे स्वामी हो, वो स्वामी बन जाते। कोई कहता आप हमारे दाता हो, वो दाता बन जाते। जैसे जैसे भक्त जिस भाव से भगवान को देखते, भगवान उसी भाव में प्रकट हो जाते। अच्छा, लेकिन एक बात, भगवान प्रकट कब होंगे और भक्त के बस में कब होंगे? जब ठाकुर जी को हम आप ध्याएंगे, गाएंगे, उनकी कथा को सुनेंगे, उनका नाम का कीर्तन करेंगे, तभी भगवान हम पर कृपा करके रिझेंगे। अब तुम सोचो कि 7 दिन करो राधे राधे, फिर सब आधे आधे, और फिर कहो महाराज आप तो कथा सुनाएंगे कि भगवान भगत के बस में है, आज तक तो कछु ना भो, ई हाल में महाराज कुछ ना हो, ये तो छोटी मुंह बड़ी बात हो गई। एक बार एक चूहा पेड़ के ऊपर टंगा था बेचारा, रहा होगा विदिशा का। एक चूहा पेड़ पे टंगा, हाथी नीचे से जा रहा था, बेचारे चूहा का पैर फिसल गया, हाथी पे गिर गया। दूसरा चूहा भी उसी ढाल पर था, जहां एक चूहा हाथी के ऊपर गिरा, सोई दूसरा चूहा ऊपर से चिल्ला के बोला पकड़ के रख, दबा के रखना, मैं भी आ रहा हूं ऊपर से। लो हद हो गई। जो चूहा नीचे हाथी के ऊपर गिरा था वो सूंड पे पहुंच गया, तो जो ऊपर डाल में था वो तुरंत नीचे हाथी के ऊपर गिरा, सो पूंछ पे गिर गया। किसी ने पूछा कि तुम पूंछ पे चढ़ के क्या कर रहे? अरे बोले देखा नहीं, एक चूहा आगे सूंड के ऊपर है, कहीं बैलेंस ना बिगड़ जाए, हम बैलेंस बना रहे हैं। बताओ, ऐसे भी कई लोग बैलेंस बनाते हैं। हमने कहा जय हो, हमने चूहा से पूछा कहीं विदिशा के तो नहीं, बोले हाँ। हमने कहा तब तो ठीक है, बैलेंस बना, फिर तो बैलेंस बना। ऐसे ही एक बार अस्पताल, वो भी हाथियों का। अब हाथियों का अस्पताल छोटा मोटा तो होगा नहीं, भारी भारी बेड होंगे, हाथियों का अस्पताल भारी भारी बेड। एक हाथी की तबीयत खराब, 4-5 बेड डले थे, एक चीटी गई सो लेट गई। डॉक्टर ने पूछा तुम क्यों लेटी? बोले अगर हाथी को खून की जरूरत पड़े तो मैं तैयार। चीटी खून दे रही है। हमने उनसे भी पूछा कहीं विदिशा की, वो भी बोली हाओ। अच्छा, लेकिन ये क्या बुंदेलखंड की हाओ का कोई ठिकाना नहीं है, हमारी बुंदेलखंड की हाओ इसका कोई मतलब ही नहीं। अगर तुमसे कोई कहते क्यों भैया कल आ जाओ, हाओ 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 हाओ, मतलब जो मानो 50-50। एक बुंदेलखंडी आदमी, एक चाइनीज आदमी, एक अमेरिका का, तीनों बैठी और तीनों आदमी बैठ के चाय पी। अमेरिका वाला बड़ा पढ़ा लिखा था, उसने चाय पी कप लिया उल्टा रख दिया, चाइना के आदमी ने चाय पी सीधा रख दिया, बुंदेलखंडी आदमी ने कप जो है आड़ा रख दिया तिरछा। तो बेटर आया, बोले हमें समझ में नहीं आया। अमेरिका वाले से पूछा ये तुम्हारा कप सीधा क्यों है? बोले हमको चाय और चाहिए। चीन वाले से कहा ये तुम्हारा उल्टा क्यों है? बोले हमें नहीं चाहिए। बुंदेलखंडी से पूछा ये तुम्हारा आड़ा क्यों है? इनका तो समझ में आ गया कि इन्हें चाहिए इन्हें नहीं चाहिए, तुम्हारा क्या मतलब? बोले अगर हो तो दे दो, बाकी हम भिखारी नहीं है। हमने उससे भी पूछा क्यों विदिशा? वो भी बोलो हाओ। हम कहा नहीं ठीक है ठीक है। हाँ, ऐसे लोग विदिशा में ही पाए जाते हैं। तो भगवान भक्त के बस में है, पर भक्त के बस में भी कैसे? जो भक्त भगवान में डूबता है, देखो भगवान खोजने से नहीं, भगवान में खो जाने से भगवान प्राप्त होते हैं। हैं, बोलो सीताराम। उनमें खो जाओगे तो भगवान मिलेंगे, नहीं खोओगे तो कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा, सिर धुन करके पछताओगे। और भगवान को पाना है तो हम तो एक ही गीत हमने लिखा है, अब हम आपको सुना करके बताते हैं।